सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ कमलेश्वर नारायण ने बंसीधर नगर स्थित अपनी कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि विधानसभा चुनाव 2019 में सर्विस कर्मचारियों के अलावे दिव्यांग मतदाता और 80 या इससे अधिक उम्र के मतदाता पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रपत्र 12D उपलब्ध कराया गया है। यह सुविधा पहली बार झारखंड विधानसभा चुनाव में लागू की गई है। बताया कि भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव में 3,77,992 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में 502 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सबसे अधिक मतदाता नगर उटारी प्रखंड में 73,081 हैं और सबसे कम मतदाता सगमा प्रखंड में 21,317 हैं। इसके अलावा नगर उटारी प्रखंड में सबसे अधिक 90 बूथ हैं। कहा इनमें से 5 महिला बूथ बनाए गए हैं, जहां मतदान कर्मी से लेकर सुरक्षा कर्मी तक भी सिर्फ महिलाएं होंगी। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इस विधानसभा चुनाव के लिए एक विशेष परिवर्तन किया गया है नियमों में, जिसके तहत डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान देने की सुविधा दिव्यांग मतदाताओं को और 80 वर्ष के ऊपर उम्र वाले मतदाताओं को भी दिया जा रहा है। इसके लिए निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के अंदर सभी दिव्यांग और बुजुर्ग 80 वर्ष के ऊपर के मतदाताओं को आवेदन देना होगा। इनको फैसिलिटेट करने के लिए हम लोग अपने जिलों के माध्यम से प्रत्येक दिव्यांग और 80 वर्ष के ऊपर के मतदाता को उनके घर में आवेदन पत्र और एक व्यक्तिगत पत्र भिजवा रहे हैं और उनको वो फॉर्म भरने में हम लोग सहयोग करेंगे। और जो व्यक्ति वापस फॉर्म भर कर हम लोगों को उपलब्ध कराएगा, चाहे बिलों के माध्यम से, चाहे स्वयं वीडियो या हमारे कार्यालय में, उनको मतदान दल गठित करते हुए उनके घर पर मतदान दल को भेजकर मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह एक नया प्रयास है जिससे मतदान में लोगों की सहभागिता बढ़े और लोकतंत्र मजबूत।